हेलो गाइस, वेलकम बैक और मेरे चैनल विकास मैथ एकेडमी। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11th का फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या कहता था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक क्या कहता था, कंप्लीट कर दिया था। अगर वो वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। हमने हर एक चैप्टर का क्या किया है, प्लेलिस्ट अरेंज कर दिया है, तो आप इजीली वहां से कोई वीडियो पे जंप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, लेट ए जो है सेट, कोई एक सेट दिया है जिसका एलिमेंट है ए बी और सेट सी कमा डी कामा ई है, ठीक है। ये क्या है, ये सेट एलिमेंट है ए का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स एंड वाई, बताना है जो स्टेटमेंट दिया गया है, डिफाइन किया गया है, उसे बताना है कौन सा उसमें फॉल्स है और कौन सा ट्रू है। और फॉल्स है तो उसका रीजन बताइए क्यों फॉल्स है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले एक कंसेप्ट इसको जान जाइए कि अगर कोई भी सेट का एलिमेंट हो तो क्या करता है, सेट का एलिमेंट हमेशा सेट को क्या करता है, बिलोंग्स करता है। क्या करता है, बिलोंग्स करता है। जैसे ये है, एक सेट दिया है 1 2 3 दिया है, 1 2 3 एक सेट दिया है, ठीक है। हम बोले कि 1 क्या कर रहा है, 1 इस सेट को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है कि या सबसेट है उसका। तो 1 जो होता है सेट का एलिमेंट हमेशा क्या करता है, वो सेट को बिलोंग्स टू करता है, ठीक है। ये कंसेप्ट याद रखिएगा। और दूसरा कंसेप्ट ये होता है कि हमेशा जो सेट होता है कोई भी सेट का, वो सबसेट हो सकता है, ना कि वो बिलोंग करता है। तो दो बात याद रखने वाली बात है कि कोई भी सेट का एलिमेंट जो होता है वो हमेशा सेट को बिलोंग्स टू करता है, और कोई भी सेट हो तो कोई भी अदर सेट को क्या करता है, उसका वो सबसेट होता है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रख के ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्या दिया हुआ है, कह रहा है सी कमा डी, सी कामा डी जो है ये सेट है। तो इस सेट के अंदर ये सेट है, तो ये सेट का अंदर सेट है, तो क्या है, ये सेट का एलिमेंट है, मतलब ए का क्या है, ये एलिमेंट है। तो एलिमेंट कभी भी सेट का सबसेट हो सकता है, नहीं हो सकता है, हमेशा क्या कहता है, बिलोंग्स करता है। इसलिए क्या है, ये फॉल्स है। क्या है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, जो सी कामा डी है वो क्या है, सबसेट है, बोल रहा है ए का, लेकिन सबसेट नहीं होगा, वो क्या होगा, बिलोंग्स टू ए होगा। तो रीजन इसका ये होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे रीजन, अगर पूछे इसका तो रीजन यहाँ पे हो जाएगा, अगर हो जाएगा कि सी कामा डी इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, सो इट ओनली belongs to set A, ठीक है। ओनली क्या होगा, belongs करेगा उसको, मतलब कहने का मतलब ये हो जाएगा C कमा D belongs to set A, ठीक है। तो एलिमेंट हमेशा क्या करता है, सेट को बिलोंग्स करता है, और सेट जो होते हैं वो सबसेट होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। ये रहा आपका फर्स्ट का रीजन भी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हम इसको क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्योंकि स्पेस क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो ये देखिए, सेकंड देखिए, कह रहा है सी का मा डी बिलोंग्स टू ए, तो ये क्या होगा, ये आपका ट्रू होगा। अभी तो बताया कि एलिमेंट है, तो एलिमेंट सेट को क्या करता है, बिलोंग्स करता है, तो ये ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, सी का मा डी ये सेट है, ये सेट का क्या है, ये एलिमेंट है, और इसके बाद क्या है, एलिमेंट का हम सेट बनाया है, तो ये सेट हो गया ना, ये क्या हो गया, ये सेट हो गया। तो सेट जो होता है हमेशा क्या होगा, अदर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ये बोला है सबसेट है, तो ये भी क्या आपका ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए जो है एलिमेंट है सेट ए का, तो ए क्या करेगा, बिलोंग करेगा सेट ए को। तो देखिए ये ए क्या है, इसका एलिमेंट है सेट ए का, तो ए क्या करेगा, बिलोंग करेगा, तो ये भी क्या आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बोल रहा है सबसेट है ए का, तो ए क्या है, सेट का ए का एलिमेंट है ना, तो एलिमेंट क्या करता है, बिलोंग्स करता है, तो सबसेट नहीं होगा, तो ये क्या होगा आपका, फॉल्स होगा। ये बोल रहा है कि हमें सबसेट है, ए जो है सबसेट है ए का, तो फॉल्स होगा। वही रीजन, फर्स्ट वाला रीजन यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब देखिए ए कामा बी कामा ई ये सेट है, और ये सेट क्या है, सबसेट है ए का। तो देखिए यहाँ पे है कि नहीं, ए बी ई ये क्या है, तीनों एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है, तो इसीलिए बोल सकते हैं कि ए बी ई जो है सबसेट है सेट ए का। तो ये भी क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए बी ई बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये ए बी ई क्या है, सेट है, और सेट कभी भी बिलोंग्स नहीं करता है किसी भी सेट को, तो ये क्या होगा आपका, फॉल्स हो रहा है, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट आप याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ए बी ई ए बी सी ये क्या है, ये सेट है ना, ये सेट है। अभी देखिए ये सेट ए में प्रेजेंट है, तो ए बी और सी इस तरीके से प्रेजेंट नहीं है ये एलिमेंट सेट ए में, तो ये कहाँ रहता है, कहाँ से सबसेट होगा, जब ये प्रेजेंट ही नहीं एलिमेंट है तो ये कहाँ सबसेट होगा, ए का। तो ये जो होगा आपका फॉल्स होगा,
ट्रू इसका होगा, अगर ट्रू होता तो ये होता आपका कि ए कामा बी कामा सी जो हो वो क्या हो, डज नॉट सबसेट ऑफ सेट ए, ये क्या होगा उसका रीजन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि सेट, ये जो सेट है ए बी सी जो है वो क्या है, सेट ए में प्रेजेंट नहीं है उसके एलिमेंट, तो इसीलिए क्या है वो सबसेट नहीं है सेट ए का, तो वहां पर रीजन ये लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, फाइव बिलोंग्स टू ए, तो फाइव क्या है आपका एम्प्टी सेट है, फाइव क्या है एक एम्प्टी सेट है, या नॉल सेट बोल सकते हैं या वर्ड सेट बोल सकते हैं, तो फाइव एम्प्टी सेट है, तो सेट क्या करता है, बिलोंग नहीं करता है कोई भी सेट को, वो क्या होता है उसका सबसेट हो रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है फाइव बिलोंग टू सेट ए, ये क्या होगा फॉल्स होगा, ये देखिए फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या होगा ट्रू होगा, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेवन ये है कि लेट ए, ए सेट दिया है और सेट में क्या है, सेट वन टू थ्री कामा सेट फोर कामा फाइव सेट कामा सिक्स सेवन एट क्या है सेट, और पूरा सेट है, ठीक है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, बताना है कि जो ये एक्सप्रेशन दिया गया है ये कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। तो देखिए वही वाला कंसेप्ट होगा कि सेट के एलिमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, बिलोंग्स करते हैं सेट को, और कोई भी सेट होता है वो क्या करता है उसका सेट का सबसेट होता है, कोई भी सेट का क्या होता है सबसेट होता है। तो ये वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे भी यूज होगा, प्रीवियस क्वेश्चन में भी क्या होता है यही कंसेप्ट यूज हुआ था, यहाँ पे भी वही कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है। ये देखिए वन, तो वन देखिए सेट ए में कहीं एलिमेंट है, तो देखिए वन कहीं नहीं दिख रहा है, वन क्या है, वन कहीं एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका फॉल्स है, ये सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा आपका फॉल्स होगा। देखिए सेट ए में कहीं वन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे वन टू थ्री दिख रहा है, तो ये वन टू थ्री क्या है, ये पूरा एलिमेंट है सेट ए का, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड देखिए वन टू थ्री, वन टू थ्री ये जो सेट है, वन टू थ्री जो एक सेट है, सेट के अंदर सेट जो है वन टू थ्री ये पूरे एलिमेंट को बताता है कि वन टू थ्री ये क्या है, एक एलिमेंट है सेट ए का। तो वन टू थ्री क्या है, एलिमेंट है सेट ए का, तो एलिमेंट कभी भी क्या होता है सबसेट नहीं होता है सेट का, एलिमेंट हमेशा बिलोंग्स टू होता है सेट का, तो यही क्या होगा आपका फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि एलिमेंट जो है सबसेट है ए का, ठीक है। तो ये फॉल्स होगा उस रीजन की वजह से। यहाँ पर देखिए सिक्स सेवन एट, तो यहाँ पर देखिए सिक्स सेवन एट क्या है, ये एलिमेंट है सेट ए का, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा बिलोंग्स टू होगा सेट ए, तो ये बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या आपका स्टेटमेंट ये जो है ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर और फाइव, देखिए ये फोर फाइव जो है दिया हुआ है ये क्या है, ये सेट का एलिमेंट है, और ये सेट का एलिमेंट को फिर हम सेट बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा उसका वो सबसेट हो जाएगा। तो वही काम किया गया है, ये सेट का एलिमेंट है और फिर इसको सेट बना दिया गया, तो सेट हमेशा क्या करता है कोई भी अदर सेट का क्या करता है उसको बिलोंग मतलब सबसेट है उसका, तो ये क्या होता है ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि फाइव बिलोंग्स टू ए, जो फाइव क्या होता है एम्प्टी सेट होता है, तो एम्प्टी सेट मतलब कोई भी सेट क्या होता है कोई अदर सेट का वो सबसेट होता है, ना कि वो बिलोंग्स टू होता है। तो ये कह रहा है कि ये फाइव जो है बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये क्या होगा आपका फॉल्स होगा, क्योंकि सेट जो होता है हमेशा सबसेट होता है ना कि वो बिलोंग्स टू होता है। यहाँ पे बोल रहा है कि फाइव जो हो रहा है, फाइव जो है सबसेट है ए का, फाइव जो है सबसेट है ए का, तो फाइव क्या है आपका एम्प्टी सेट है और सेट हमेशा सबसेट होता है सेट का, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टेटमेंट ये ट्रू हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेवन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर एट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर एट ये है कि लेट ए सेट ए जो है ये ए सेट दिया हुआ है, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, वही बताना है कि एलिमेंट दिया है वो बिलोंग कर रहा है सेट को नहीं है और या सबसेट है कि नहीं है, ठीक है। उस स्टेटमेंट को देख कर हमें क्या करना है ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फाइव, फाइव जो है ये देखिए फाइव जो है इस सेट का एलिमेंट है कि नहीं है, तो देखिए यहाँ पे फाइव जो है क्या है इस एलिमेंट है सेट ए का, तो एलिमेंट है तो क्या करेगा बिलोंग्स करेगा, तो ये क्या होगा आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट देखिए ये, देखिए ये फाइव सेट जो सेट फाइव है ये क्या है इसका एलिमेंट है सेट ए का, तो क्या करेगा उसको बिलोंग करेगा ए को, तो ये भी क्या आपका ट्रू है। अब देखिए वन, ये वाला देखिए ये एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं सेट ए में, तो देखिए ये कहीं नहीं प्रेजेंट है, ये वाला एलिमेंट कहाँ सेट वन जो है कहाँ प्रेजेंट है सेट ए में, नहीं प्रेजेंट है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका जब प्रेजेंट नहीं है तो ये कैसे बिलोंग करेगा, तो ये क्या होगा आपका फॉल्स, ठीक है। टू कामा फाइव, टू कामा फाइव जो है ये क्या है ये सेट सबसेट है, टू कामा टू यहाँ पे है और ये क्या है फाइव है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा ए का, तो ये देखिए टू कामा फाइव क्या है सबसेट है ए का, तो ये भी क्या है आपका
ट्रू है, क्योंकि 5B और 2B दोनों क्या है, प्रेजेंट है सेट A में। जब प्रेजेंट है तो क्या होता है, उसका वो कोई उसका सेट बना देंगे हम उस एलिमेंट का, तो वो क्या हो जाता है, उसका सबसेट हो जाता है, मतलब उसका पार्ट हो जाता है A का। तो यही बोल रहा है कि 2,5 इज ए पार्ट ऑफ सेट A, ठीक है, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। 2 बोल रहा है कि क्या है, 2 जो है सबसेट A का, तो 2 क्या है, एलिमेंट है सेट A का, तो वो सबसेट हो नहीं सकता, वो बिलोंग कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसेट बोल रहा है, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2,set1, देखिए इसका एलिमेंट है, तो ये देखिए 2,set1 इसका एलिमेंट नहीं है, जब एलिमेंट ही नहीं है तो क्या होगा, उसका डज नॉट सबसेट ऑफ A, डज नॉट पार्ट ऑफ सेट A, तो ये पार्ट नहीं है उसका A का, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2 और 1, set 2 और set 1 इसका एलिमेंट है सेट A में, नहीं प्रेजेंट है, तो ये सबसेट नहीं होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे फॉल्स नहीं है, ट्रू होगा, ठीक है, डज नॉट बोल रहा है कि सबसेट नहीं है, ये क्या होगा, ये भी ट्रू होगा आपका, ये भी क्या होगा, ट्रू होगा, हमने बोला, हमने देखा कि सबसेट है, लेकिन ये सबसेट बोल रहा है कि नहीं है, इसकी वजह से क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। ये देखिए 5 और set 5 भी है, सेट 5 भी है और 1,5 भी है, इसका सेट बना देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा A का, तो ये स्टेटमेंट क्या आपका, ट्रू है, ठीक है, ट्रू है। नेक्स्ट देखिए बोल रहा है कि 5, ये देखिए 5 जो है इसका क्या है, एलिमेंट है, और इसका हम सेट बना देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा A का, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, मतलब जो सेट दिया है इसे क्या लिखना है, हमें सबसेट लिखना है, क्या लिखना है, सबसेट लिखना है। तो देखिए सेट A का कैसे हम इसको सबसेट लिखते हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करना है, कोई भी सेट का हमें ये पता करना है कि कितने उसका सबसेट होंगे, तो क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट A विच हैव n एलिमेंट्स, तो क्या होता है, 2 का पावर n, 2 का पावर n जो होता है वो क्या हो जाता है, बताता है कि सबसेट कितना होगा, उस सेट का सबसेट कितना होगा, ठीक है। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 1 है, तो इसका सबसेट क्या होगा, 2 का पावर 1, मतलब क्या होगा, 2 होगा, इसका सबसेट 2 होगा। ये देखिए ये 2 एलिमेंट है ना, तो 2 का पावर 2 मतलब क्या होगा, 4, इसका 4 सबसेट होंगे। तो ये ऐसे पता कर लेते हैं कितना सबसेट होगा, तो ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, नंबर ऑफ सबसेट निकालना होगा कोई भी सेट का कितना होगा, तो 2 का पावर n, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ गिवन सेट है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं इसका सबसेट कैसे निकालते हैं। देखिए सेट A का है सबसेट निकालता है, तो ये एक बात याद रखिएगा, 5 जो होता है एम्प्टी सेट जो होता है, हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट जो पहला सबसेट होगा इस सेट का 5 होगा, क्या होगा, 5, पहला क्या होगा, 5 होगा, कामा इस तरीके से लिखते हैं। और दूसरा क्या होगा, जो सेट होता है वो खुद इटसेल्फ सबसेट होता है, मतलब हर एक सेट क्या होता है, खुद में एक सबसेट होता है, तो एवरी सेट इज इटसेल्फ ऑफ इट्स ओन सबसेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेट खुद एक अपना सबसेट है, तो ये हो जाएगा 2, इसका सबसेट लिख दिया हम इसका। इसका देखिए इसका क्या होगा, पहला 5 होगा, दूसरा क्या हो सकता है, 1 0 हो सकता है, और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, और चौथा क्या हो जाता है, 0,1, ये इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। पहले 5 जो होगा सबसेट में रहेगा 5, 0 इसका एलिमेंट है तो एक सेट बना देंगे इसका, 1 भी इसका एलिमेंट, तो एक 1 बना देंगे, और जो सेट है एक बार वो लिख देंगे, तो ये इसका नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, 4 होगा, और 4 यहाँ पे दिखा भी दिए कि ये होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इसका क्या हो जाएगा, पहला 5 होगा, दूसरा क्या होगा, A होगा, तीसरा क्या होगा, B, इसी तरीके से C, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, इसी तरीके से क्या हो जाएगा आपका, CA हो जाएगा, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, सेट जो प्रेजेंट है वो हो जाएगा। देखिए कुल मिला के 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 8 जो क्या है इसका सबसेट है थर्ड वाला का, ABC सेट का। नेक्स्ट देखिए इसको भी हम इसी तरीके से लिख देंगे, पहला क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा आपका ये जो है सेट 1 और सेट, और चौथा क्या हो जाएगा जो सेट दिया गया है वही हो जाएगा, ठीक है। तो जो सेट दिया गया है वही हो जाएगा आपका सबसेट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा 5, और दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका जो 5 दिया हुआ है ये, ठीक है। तो
तो ये क्या हो जाएंगे, इसके सबसेट हो जाएंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या कर रहा है, सबसेट निकालने के लिए कर रहा है। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उसका आंसर बताएंगे कि सर इसका आंसर ये सबसेट आया, ठीक है। एटलीस्ट आप कम से कम एक क्वेश्चन तो ट्राई करिए, हमने सारा क्वेश्चन किया है सॉल्व, एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ा है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइएगा कि सर इसका ये सबसेट आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 ये दिया है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ एन एलिमेंट। बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ क्या बताइए, प्रॉपर सबसेट बताइए, उसका सेट का एलिमेंट n है। तो देखिए प्रॉपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सेट ऐसा सेट होता है ना, कि मान लीजिए दो सेट है a और b, तो सेट a जो है सबसेट है सेट b का, ठीक है, ये बात आपको पता है, मतलब इस तरीके से है अरेंजमेंट है। तो क्या होगा, प्रॉपर सबसेट मीन होता है कि a का सारा एलिमेंट क्या है, b में कंटेंट है, लेकिन b का जो सारा एलिमेंट है वो a में प्रेजेंट नहीं है। मतलब कहने का मतलब दोनों सेट जो है a नॉट इक्वल टू b होना चाहिए। a का सारा एलिमेंट क्या है, b में प्रेजेंट है, और ए सेट ए और सेट बी दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अगर सबसेट का फॉर्मूला देखें तो 2 का पावर क्या होता है, एन होता है। नंबर ऑफ सबसेट निकालना होता है कोई भी सेट का, तो 2 का पावर एन, एन क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए गिवन सेट, ठीक है। तो ये होता है सबसेट का। अब बोल रहा है कि प्रॉपर सबसेट, तो सबसेट निकालते हैं तो लास्ट में जो एलिमेंट आता है आपका वो क्या होता है, सेट इटसेल्फ आता है, आता है कि नहीं आता, सेट इटसेल्फ आता है। तो वो क्या होगा, प्रॉपर सेट के केस में वो सेट इटसेल्फ जो होगा वो इन्वॉल्व नहीं होगा, सारा सबसेट होंगे, लेकिन जो सेट जो आता है, जो गिवन सेट लास्ट में जो आता है एलिमेंट, वो क्या होगा, वो इन्वॉल्व नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2n-1, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपका सेट ए जो है, ये ए एक सेट है, इसका एलिमेंट है 1, 2, 3 है, ठीक है, 1, 2, 3 है। तो इसका सबसेट निकालिए, जब सबसेट निकालेंगे तो क्या आएगा, एक 5 आएगा, अब आपका एक 1 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, एक यहाँ पे 3 आ जाएगा, और क्या आएगा, 1, 2 आएगा, फिर आपका 2, 3 आएगा, फिर आपका क्या आएगा, 1, 3 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से आपका आ जाएगा एक 1, 2, 3। ये क्या हो जाएगा, ये इसका 8 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये क्या हो जाएगा, 8 इसका सबसेट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये सबसेट के केस में होता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट में केस में क्या होता है, कि ये सेट इटसेल्फ जो होता है, ये वाला एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है प्रॉपर सबसेट के, मतलब प्रॉपर सबसेट में, ठीक है। तो ये वाला जब एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2n-1। सबसेट के केस में क्या होता है, फॉर्मूला 2n होता है, तो ये वाला एलिमेंट क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। तो यही तो डिफिनेशन होता है प्रॉपर सबसेट का, कि सेट ए जो होगा सेट बी के इक्वल नहीं होगा, जो गिवन सेट है उसका सेट क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर सेट ए जो है यही है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला जो सबसेट आता है ये प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, प्रॉपर सबसेट के केस में। तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका, जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन टोटल प्रॉपर सबसेट में क्या हो जाएगा, 2n-1, क्योंकि ये जब प्रेजेंट हो जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सबसेट केस बन जाएगा, लेकिन प्रॉपर सबसेट के केस में क्या होता है, जो सेट इटसेल्फ होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, बात समझ में आया, ठीक है। तो ये होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2n-1, यही 1 क्या होता है वहां से निकल जाता है, समझ में आया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो ये वाला फॉर्मूला क्या रखिएगा, याद रखिएगा, ये कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है, तो अच्छे तरीके से इसको देखिएगा। 12 देखिए, इफ ए इज एनी सेट द प्रूव दैट ए इज अ सबसेट ऑफ फाई, देन दिस इंप्लाई दैट ए इक्वल टू फाई। मतलब ये क्या है, एक इम्पटी सेट है। तो आपको गिवन यहाँ पे क्या दिया है, गिवन ये दिया है आपका, गिवन ये दिया है कि ए जो क्या है, सबसेट ऑफ फाई। जब सबसेट ऑफ फाई, तो यहाँ से ये पता चल जा रहा है कि therefore there is no element present in set A, ठीक है। जब फाई का क्या है, सबसेट है, तो फाई क्या होता है, फाई खाली एलिमेंट होता है। तो फाई का जब सबसेट है तो क्या है, A में एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो यहां से ये होता है, दिस इंप्लाइड दैट A जो है वो क्या है, इक्वल टू फाई है, मतलब फाई सेट का है, मतलब एक खाली सेट है। तो यहाँ से ये पता चल जा रहा है, तो ये इसका क्या होगा, प्रूफ होगा, ठीक है, दो लाइन का प्रूफ है। आगे जब एक्सरसाइज करेंगे ना तो बहुत अच्छा अच्छा प्रूफ उसमें दिया है, जैसे डिमॉर्गन्स थ्योरम है, एडम्पोटेंट लॉ है, ठीक है, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो वो भी क्या करेंगे, हम सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में वही करने वाले हैं हम लोग,
ठीक है, आगे देखिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंडों के भी साथ क्या करिए, शेयर करिए, क्योंकि उनको भी हेल्पफुल हो पाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।